मित्रों जय माता दी। मित्रों आज 10 दिसंबर मंगलवार का दिन है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? मित्रों आज के दिन आपको कौन सी खुशियां मिलने वाली है तथा कौन सी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा? क्या कहते हैं आपके सितारे? आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, साथ ही साथ कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान और सतर्क होकर रहने की जरूरत है? आपको बताएंगे कि आज आपके व्यापार, करियर तथा लव लाइफ कैसा रहने वाला है। आज आपके जीवन में चल रही परेशानियों से कैसे आप निजात पा सकते हैं, आपके व्यापार में आ रही अड़चनों को कैसे आप दूर कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। आपको बताना चाहेंगे कि इस राशि की महिलाओं को आज के दिन कोई खास खबर मिल सकती है। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी बेहतर रहेगा। आपको माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ऑफिस का पेंडिंग काम आज पूरा हो सकता है। मिथुन राशि के स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ सकता है। मित्रों मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा आपके भाग्य के सितारे बुलंद होंगे। कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी धार्मिक संस्थान से जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के लिए अनुकूल है। आप किसी नए काम के बारे में सोच सकते हैं। आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। आप दोस्तों से मिलेंगे। ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे जिससे कि आप काफी प्रसन्न भी होंगे। आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आप किसी काम के लिए नई योजना भी बना सकते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों को आज नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आय के स्रोत में वृद्धि हो सकती है। आप उसे पूरा करने में सफल होंगे। छात्र अपने मित्रों के साथ किसी सब्जेक्ट को लेकर आज चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से मामले में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आज किसी तरह के व्यर्थ के झगड़े में पड़ने से आपको बचना चाहिए। साथ ही अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको गलतफहमी दूर करना चाहिए। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ हो सकता है। आर्थिक लाभ के लिए दूसरे शहर जानी पड़ सकती है। पड़ोसियों के बीच आपकी तारीफ होगी। माता पिता अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए बाहर घूमने आपको ले जा सकते हैं। आप किसी नए काम के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। कुछ नए कॉन्टैक्ट आपकी लिस्ट में शामिल होंगे। लेकिन किसी से बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखने चाहिए। मित्रों मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है जिसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप किसी मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। कुछ लोगों को आपको शुभ काम में मदद मिल सकती है। जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज अधिकारियों से मिला कॉम्प्लीमेंट आपके उत्साह को बढ़ा सकता है। संतान का कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है जिससे आपके काम की लिस्ट थोड़ी सी कम होगी। मित्रों किसी काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया आप कर सकते हैं। करियर के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। किसी काम के पूरे होने पर आपको प्रसन्नता दिखेगी। साथ ही हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। आपके काम में सीनियर का पूरा योगदान रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।
आपको व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। सेहत के मामले में आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए पिछली कंपनी का अनुभव आपके काम आ सकता है। किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज जारी रखना चाहिए। लंबेट कहीं घूमने की प्लानिंग बना सकते हैं। शाम को परिवार के साथ जरूरी बात कर सकते हैं, इससे पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। ब्राह्मणों को भोजन आप अवश्य करवाएं और उनका आशीर्वाद लें। लवमेट के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आप जिस भी काम को पूरा करना चाहेंगे वो काम पूरा होगा। शाम को आप कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए मार्केट भी जा सकते हैं। आप किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर पर जा सकते हैं। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न होंगे। आप किसी नए आय के स्रोत का फायदा उठा सकते हैं। नए लोगों के संपर्क में भी आप आ सकते हैं, इससे आपको काफी फायदा होगा। परिवार वालों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। मित्रों, आप अगर बेरोजगार जातक हैं तो बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा। परिवार में सबके साथ बेहतर संबंध स्थापित होंगे। रिसर्च के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। मित्रों, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह अवश्य लें। जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा पर आप जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए बेहद सुखद रहेगी। आपके बच्चे आपकी बातों को अच्छे से समझ सकेंगे। आपको कुछ जरूरी कामों में दोस्तों की मदद मिल सकती है। साथ ही कई दिनों से अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लाएगा। आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। मित्रों, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि परिवार में सुखद वातावरण का माहौल बना रहेगा। दाम्पत्य संबंध भी मधुरता से भरपूर रहेगा। किसी काम को लेकर आपकी उलझनें कम हो सकती हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा बीतेगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो कोई खास काम पूरा होने से आपको खुशी मिल सकती है। शाम तक आपको कोई अन्य शुभ समाचार भी मिल सकता है। सोसाइटी के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे। आज आप ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे। लवमेट के साथ आपका दिन बेहतर गुजरेगा। आपकी बातों से कुछ लोग प्रभावित भी होंगे। सोचे हुए कार्यों की गति मजबूत होने वाली है। आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। मित्रों, माता पिता के पैर छूकर प्रणाम करें। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई सहपाठी आपके अपनी बातों को शेयर कर सकता है। आज आपको सबकी मदद करके चलनी चाहिए। आगे आपको भी मदद करने की या मदद की जरूरत पड़ सकती है। मित्रों, मिथुन राशि के छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य है। आप अपने कठिन विषय पर शिक्षकों से चर्चा कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से शरीर कुछ ढीला हो सकता है। आज आपको अपने गुस्से को नियंत्रित में रखना है। किसी से बहस होने की संभावना सबसे अधिक बन रही है। मित्रों, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रित रखना है और किसी भी कार्य को करने से पहले आप धैर्यवान बने। आप अपने विश्वास को जागरूक करें, आपके व्यक्तित्व को उभारें, जिससे कि आप प्रशंसा के पात्र बन सके। वैसे आज समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। आप बेहद प्रसन्न रहेंगे। रुके हुए कामों में तेजी से आपको सफलता मिल सकती है। मित्रों, सभी कार्य आपके समय पर पूरे होंगे। सुबह सुबह कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिससे कि आप बेहद प्रसन्न रहेंगे।
आप उत्साह और जोश के साथ सभी काम को करेंगे जिनसे कि सभी कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बॉस आपसे आज बेहद प्रसन्न रहेंगे। बॉस के सामने आप पदोन्नति या फिर आपके सैलरी में इजाफा आप करवा सकते हैं। बॉस के साथ रिश्ते काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। मित्रों, आज आपका लकी कलर पीला रहने वाला है और आपका लकी नंबर 8 रहने वाला है। आज का दिन शुभ बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।